गाज़ियाबाद में रहने वाले उत्तराखंड समाज के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। गाज़ियाबाद के नंदग्राम में बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर उत्तरांचल भवन को तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए राजस्थान से पत्थर मंगवाए गए हैं। आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम की तरह ही भव्य और सुंदर रूप देने के लिए नगर निगम इस प्रोजेक्ट को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर स्लैब डालने का काम पूरा हो चुका है और फर्स्ट फ्लोर पे शटरिंग का काम अभी चल रहा है। इस साल के अंत तक उत्तरांचल भवन बनकर तैयार हो जाएगा। अभी इसमें जो काम किए गए हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की स्लैब पड़ गई है इन पर। बेसिकली ये 1700 स्क्वायर मीटर एरिया में इसका निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान से पत्थर मंगवाए गए हैं जी, राजस्थान से पत्थर मंगाए गए हैं कि उनको उसी कलर कोड के हिसाब से तैयार किया जाए। किस तरीके से नगर निगम इसे और भव्य स्वरूप देने के लिए कोशिशें कर रहा है और क्या कुछ किया जा रहा है? नगर निगम द्वारा इसकी जो आर्किटेक्चर ड्राइंग ली गई है, वो श्री बद्रीनाथ भवन के तर्ज पे ही ली गई है। और इसमें जो है 500 कैपेसिटी का लगभग एक हॉल है, जिसमें वहाँ के समाज के लोग अपना कार्यक्रम कर सकेंगे। और 2 VVIP लॉन्ज हैं, 1 VIP लॉन्ज है और 1 फर्स्ट फ्लोर पर कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, बनाया जा रहा है। उसमें लगभग 25-30 लोग मीटिंग बैठ के कर सकते हैं। और इसके अलावा 4 रूम्स भी बनाए जा रहे हैं कि जो लोग वहाँ से आएँ उनको रुकने की व्यवस्था भी रहे। तो अभी इसमें हम कब तक ये मान सकते हैं कि स्वरूप की मौजूदगी देखने को मिल जाएगी? नगर निगम का क्या टारगेट है उत्तरांचल भवन को लेकर? अगस्त लास्ट में इसका लगभग स्वरूप तैयार हो जाएगा। क्या कुछ चुनौतियां नगर निगम के सामने हैं भवन को तैयार करने में, भवन की तैयारी और डेट पूरा करने में? नहीं, ऐसी अभी तो कोई परेशानी नहीं समझ में आ रही है, अभी तो कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। एक उत्तराखंड समाज के लिए आप ये कितना बड़ा तोहफा देखते हैं और उनकी तरफ से भी आप क्या रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं? हमने जब इस भवन का निर्माण शुरू किया था, तब भी उत्तराखंड के जो यहाँ संस्थाएं हैं, जो लोग हैं, उनको बुलाया था। अभी हमने पिछले महीने ही मीटिंग एक उनको वहाँ पर बुला के भी किया, जब ग्राउंड फ्लोर की स्लैब पड़ गई है तो उनसे सुझाव मांगे, क्या आप और चेंज चाहते हैं या कैसे इसको और ठीक बनाया जाए। उनके द्वारा कुछ सुझाव भी दिया गया कि एक फर्स्ट फ्लोर पर भी एक कॉमन टॉयलेट बना दिया जाए, फिर एक स्टेज भी अंदर हॉल में बना दिया जाए। इस तरह के सुझाव प्राप्त हुए, उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे।